नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा संभाग की तीनों लोकसभा सीटों में मतदान के बाद संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। अपने आकस्मिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव गत दिवस मऊगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल, पोषण पुनर्वास केंद्र और एकीकृत महिला बाल विकास सेवा कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिविल अस्पताल में मिली अव्यवस्था से नाराज कमिश्नर ने मऊगंज सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं स्टाफ के अन्य कर्मचारियों डॉक्टर आर एन शर्मा, डॉक्टर शिवेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक पटेल समेत कई अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। वहीं अपने आकस्मिक भ्रमण के दौरान एकीकृत महिला बाल विकास कार्यालय पहुंचे कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव ने कार्यालय के रजिस्टर में दिसंबर 2018 से उपस्थिति रजिस्टर संधारित नहीं होने पर यहां पदस्थ सहायक ग्रेड 3 राजकुमार वर्मा की 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। वहीं 3 सुपरवाइजरों माया सोनी, श्रुति मिश्रा और अंजू त्रिपाठी द्वारा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं करने पर संयुक्त संचालक महिला बाल विकास को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च निरीक्षण मऊगंज का हुआ सिविल अस्पताल में। आज मैंने सिविल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान बहुत सारी कमियां भी इसमें देखने को मिली हैं। मैंने मरीजों से बातचीत भी की है, उन्हें दवाइयां वगैरह मिल रही हैं, खाना भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स बिना अनुमति के एबसेंट हैं, कुछ कर्मचारी बहुत समय से एबसेंट हैं, उनका कुछ उल्लेख नहीं है, और जो दवाइयाँ वगैरह हैं जो स्टोर रूम में ठीक से रखी जानी चाहिए तो वो नहीं रखी गई हैं। तो जहाँ जहाँ भी मुझे खामियाँ मिली हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए जो बीएम है उनको मैं निर्देशित कर रहा हूँ और उनको शोकाज नोटिस इशू कर रहा हूँ और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूँ जिन्होंने व्यवस्थाएं ठीक से नहीं रखी हैं। एब्सेंट की बात आपने करी, यहाँ मुख्यालय में अधिकांशतः कर्मचारी अधिकारी एब्सेंट ही रहते हैं, नहीं रहते, इस संबंध में आपका? नहीं, कर्मचारी को तो अधिकारी की ये ड्यूटी है कि जो उसका मुख्यालय है उसे वहाँ रहना चाहिए, यदि मुख्यालय पर नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, एक भी एसडीओ और रेंज के अधिकारी यहाँ नहीं रहते। आपने मुझे जानकारी मिलाया है, मैं कलेक्टर को बताऊंगा, निर्देशित करूंगा कि वो देखें, सुनिश्चित करें कि कर्मचारी अपने अपने जो मुख्यालय हैं वहाँ पर रहें और जो सेवाएं हैं वो नियमित रूप से उपलब्ध कराएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।